Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today a very interesting topic we are going to take up, and the topic is how and when the soul enters the body so that it can take birth. Okay, I am talking about the human beings. Now there are varied propositions by various spiritual masters. Some spiritual masters proposes that the soul enters into the embryo in the third month. Some says the soul enters into the embryo in the fifth month. And some proposes that it is not the question of entering the soul into the embryo. The soul is always, it always remains with the male, the sperm of male. And through that sperm, it enters into whatever is the system in the female body. Okay, so it enters there through the sperm. Now, all the people across the world are too much confused about whether the soul enters into the embryo for taking birth, or it doesn't enter at all, and when it enters. So everybody seems to be confused. Now, I have taken up this subject because this is very, very confusing subject, and I mean it simply eludes the intellectuality of so many people. They are not able to understand it, and it is not the question of understanding. It is a question of realization. Okay, whether you. You have realized the reality or not, right? So from the yogic science point of view, we will try to explore very, very deep into the subject. What is the matter? What is the fact of the matter of entering the soul into the body? Okay, or what is the process of taking birth, right? I mean, the bottom line is, what is the process of taking birth? Okay, and I am talking about the human beings, with respect to human beings. Sharma ji, atma ke janm lene ka jo process hai, atma sharir mein kaise aati hai, kaise ek manush ka janm hota hai, isse bahut sare cheeze available hain, theek hai. Bahut sare jo spiritual masters hain, jo dharmik guru hain, koi kehta ki teesre mahine mein atma jo bhrun banta hai, गर्भाशय के अंदर उसमें प्रवेश करती है और फिर धीरे धीरे वो शरीर डेवलप होता है, ठीक है, और धारण करती है और नवे महीने में मनुष्य बन जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है. बहुत सारे महात्मा ये कहते हैं कि पांचवें महीने में ऐसा होता है, कोई कहता है पहले महीने में होता है, तो तरह तरह की चीजें. बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो प्रवेश नहीं करती, ये तो प्रविष्ट रहती है जो जो मेल है, जो आदमी है उसके स्पर्म के अंदर, ठीक है, ऑलरेडी उसके अंदर रहता है, ठीक है, और वो जो स्त्री का जो अंडाणु है उसके अंदर, उसके माध्यम से प्रवेश कर जाती है आत्मा और धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है ना. तो योगिक साइंस की दृष्टि से, ठीक है, सच्चाई क्या है इसके अंदर, आत्मा के प्रवेश होने के एम्ब्रियो के अंदर, ताकि वो धीरे धीरे बच्चे के रूप में डेवलप हो और मनुष्य के जाए. इसमें योगिक आध्यात्मिक विज्ञान ये कह रहा है कि जो आत्मा, जिसे आत्मा बोल रहे हैं, पता नहीं किसे बोल रहे हैं आत्मा और किसे बोल रहे हैं जीवात्मा परमात्मा, ये शब्द जो है, जो चुने गए, जो लिए गए हैं, ये बड़ा एक संशय वाले शब्द हैं. इनके आत्मा के क्या आकार हैं, इनके साकार निराकार क्या स्थिति क्या है, पहली पोजिशन और दूसरी तीसरी पोजिशन इनकी क्या है, ये इस टाइप के बहुत अनसुलझे सवाल हैं, जिसमें पूरा जो जो लोग समझा रहे हैं वो भी कंफ्यूज हैं, वो भी संशय में हैं, और जो लोग समझ रहे हैं वो भी संशय में. वहाँ देखिए, बोध की स्थिति में आपके वहाँ पर ये नहीं है कहीं कि ये चीज़ का, इस स्थिति का ये नाम है, मगर हमें, हम नामों से, हमने भी उसी स्थिति में नाम रखे कि वहाँ नाम तो बताए नहीं गए थे. तो जो पहली स्थिति है वो हमने उसे रखा है, उसका नाम हमने अभी तक सारे एपिसोड में बताया कि उसका नाम हम जीवात्मा कहते हैं जी.
और उसके बाद में जो अंडाकार स्थिति उसकी है वो उसको मैंने बोला है कि हम इसे आत्मा कहते हैं, और जो उसके ऊपर कवर कर रही है हम उसे कह रहे हैं कि ये परमात्मा है जी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमने ये नाम रखे हैं, स्थितियां हैं उनकी, अपनी कार्यशैली है, और वो उनकी क्या कर रहे हैं वो हम पहले ही एपिसोड में बता चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि जो आत्मा है प्रवेश कर रही, हम ये नहीं समझ पा रहे कि आप किस आत्मा की बात कर रहे हो, क्योंकि वो तो अंडाकार है, हम तो अंडाकार चीज को आत्मा कह रहे हैं। तो मैंने एक आपको अपने एक साइंस व्यू से, योगिक साइंस के व्यू से, आपको एक बोध की स्थिति से मैं आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जो पहली स्थिति है जीवात्मा की, वो जीवात्मा की स्थिति है वो मान लो कि बिल्कुल नीचे है, एकदम गहराई स्थिति में है। दूसरी स्थिति वो अंडाकार है जिसे हम आत्मा बोलते हैं, तो वो उसके ऊपर है। और तीसरी स्थिति जो परमात्मा की है जो राउंड ले रही है, हम उसे तीसरी स्थिति कहते हैं, उसे हमने परमात्मा नाम दिया है। तो ये तीन स्थिति हैं, ये तीन स्थिति ये यथार्थ हैं, वैसी हैं ये, मगर इन्होंने जो कुछ भी कार्य किया है, कार्य तो कर रही हैं, बहुत तीव्रता से कर रही हैं और बहुत कठिन प्रयास से कार्य कर रही, मगर सवाल ये खड़ा होता है कि अभी तक इन्होंने किया कुछ नहीं है। तो अगर ये तीनों मिलकर के एक संकल्प करें, एक कल्पना करें, एक विचार करें, तो जो विचार करेंगे तो जिसने विचार किया है उसी ही आकार और साकार, उसी स्वरूप के जो हैं उनके विचार जाएंगे, और वो विचारों का जितना भी पसारा होगा वो हमारा ब्रह्मांड है। यहाँ तक एक बात क्लियर कर लेते हैं पहले कि जो ब्रह्मांड है वो एक अंडों का समूह है जिसमें नाना प्रकार के भांत भांत के अंडे हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जिन अंडों को आप जानते हैं वही अंडे हों। आपकी दृष्टि है, आवाज़ है, आपके विचार हैं, आपके एकदम सूक्ष्म वायु है, आपके प्राण हैं, ये सभी प्रकार के अनेक प्रकार के अंडे हैं। संस्कार हैं वो अंडे हैं, संबंध हैं वो अंडे हैं। ये जो अंडे, अंडों से भरा एक ब्रह्मांड है, अब इसमें अगर इस ब्रह्मांड उन तीनों में है और वो तीनों ब्रह्मांड में है, तो ये स्थिति एक आसानी सी प्रक्रिया है, समय बर्बाद ना हो इसलिए हमने ये कह बता दिया कि वो तीनों हैं और तीनों उसमें हैं। तो ये काल्पनिक हैं, जो जहाँ से विचारधारा होती है, जहाँ से वो मतलब निर्माण की प्रक्रिया जहाँ आती है वो विचारधारा है। तो वो विचारधारा में ऐसी स्थिति में वो तीनों एक जो निर्माण करेंगे, क्योंकि वैसा ही निर्माण करना, तो अंडा कहीं से अंडे कहीं आप लेने जाना पड़े, क्योंकि वो खुद आत्मा खुद अंडाकार है। तो अंडेकार ने जैसे ही विचार किया, केंद्रित किया, तो इन तीनों के ऊपर ही केंद्रित हो, ये गहराई में है, वो तीनों के ऊपर ही जो अंडा ये केंद्रित होएगा, तो कहीं ले जाना नहीं पड़ता, वो वहीं उपलब्ध है। तो वो जैसे ही किया है तो उसको ये पता चल गया कि ये पावर मेरे पास बिल्कुल पास में है। मगर जिसी जैसे बच्चे को पता होता कि मेरा पिता साथ में है, मुझे चिंता करने की बात, ऐसे ही उस क्रिएट हुआ जो अंडा आया तो उसकी पावर उसके पास में है, ये उसको फीलिंग हुई, और फीलिंग हुई और वहाँ से उसने क्रिएट करने शुरू करे। तो किसी बहुत ब्रह्मांड में गहराई में जाके अनंत दूर जा करके कोई अगर अंडा हो तो उसके लिए क्षणिक है, वो जहाँ उसने कल्पना करी जाना वो आया तो उसके सारे सब एक के बाद एक क्रिएटिंग करे। क्रिएटिंग का जो मैंने ढंग बताया था पहले कि नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव और जो आपकी घनत्व है गुरुत्वाकर्षण का घनत्व जो कि केंद्रित नीचे की ओर है और ऊपर की ओर जो हल्कापन हमने बताया था, तो उसी के आधार पर उसने सारे ये क्रिएट किए। तो जो सॉफ्ट जो हल्के थे उनको क्रिएट करके उसने हार्ड किया वो बॉडी है। अब वो बॉडी हम बाद में हमने अभी आपको बता दिया है बॉडी शरीर ताकि आप समझ में आए, मगर इस वक्त बात कर रहे हैं उस एक अणु की, अणु अंडे की बात कर रहे हैं। तो वो एक अंडा जो बिल्कुल जिसे देख सकते, साइंस देख सकती है, हम तो उसके अंदर की बात करें, उसमें खरबों
अंडे उस टाइप के हैं, उस प्रकार के हैं, जो अंतरिक्ष में जितने भी अंतरिक्ष में जो चीज़ें हैं वो सब की सब वहाँ उपलब्ध हैं उस अंडे में। इसका मतलब उस अंडे में जो खरबों और अंडे भरे हुए हैं, जिस अंडे को साइंस अब देख पा रही है, तो उसको उस अंडे में जो भरे हुए हैं उसमें सारे संस्कार, सारा ब्रह्मांड उसके अंदर भरा पड़ा है। और अब ये अंडे जो हैं, ये वाला है अंडे वैसे उसने क्रिएट किया, तो अब उसी टाइप के अंडे जो क्रिएट करेंगे, क्योंकि पहले उस टाइप के क्रिएट किए थे ताकि अंडा बनाया, और अब अंडे जब अंडा बन गया तो अब अंडों के उसी टाइप के क्रिएट करेंगे, तो सारे अंडे उसी टाइप के क्रिएट करेंगे और एक बॉडी को बना डालेंगे। इसमें मुझे ये कहीं नहीं दिखाई दिया कि आत्मा और परमात्मा और जीवात्मा कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वो आधार हैं, जो आधार है वो प्रवेश नहीं करता कभी भी कहीं पर भी। और दूसरी बात, अगर जो लोग जो ये समझाने का प्रयास करते हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि वो एक बार ये देखें कि अगर कोई आदमी जैसे मर गया है तो उसके परमात्मा की स्थिति को सांस है, उसने रक्ति छूट गई है तो आपने उस स्थिति जान ली है, मगर उस हम आत्मा की बात करें तो अंडे तो अभी भी लाश में हैं और वो सारे कार्यरत हैं, तो वो कार्यरत हैं सारे के सारे अंडे, तो उसकी आपने गतिविधियाँ क्यों नहीं जानी। और अगर वो उसके अंदर जीवात्मा जो बेस है, उसका बेस है जो आधार है, तो वो जीवात्मा को आपने उन अंडों में क्यों नहीं जाना, तो वो उसकी चाल क्यों नहीं जानी। और एनर्जी जो है चेतन प्रक्रिया तीनों में है, तो तीनों की चेतन प्रक्रिया होकर के एक होकर के जहाँ होती है, तो वो तो शरीर की एक टोटल प्रक्रिया है। तो अभी यहाँ पर ये स्थिति आती है कि आत्मा प्रवेश करी या जीवात्मा या परमात्मा प्रवेश किया, ये मुझे कोई मेरे सामने आके या मुझे फ़ोन पे आके, मेरा फ़ोन नंबर भी है इसमें, सत्येंद्र का भी फ़ोन नंबर, वो व्यक्ति मुझे आके ये समझाए कि ये ऐसे प्रवेश होती है। जो चीज़ प्रवेश हो रही है तो इसका मतलब क्या वो इंतजार कर रही है? आप खुद ही अपने सवाल में फंसने वाले जगह हैं, ये ऐसा सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, ये अनुमान से बताया है, ये अनुभव का कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अंडाकार जो चीज़ एक बार बन गई, अब हम उस अंडे की बात करें जिसमें पूरा ब्रह्मांड है, तो वो अंडा जो चीज़ बन चुकी है, वो चाहे स्त्री में हो, चाहे वो पुरुष में हो, चाहे वो किसी वृक्ष में हो, चाहे वो किसी कीड़े पतंगे में हो, सब में सब की सारी प्रक्रिया एक ही है कि वो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, अर्थात हमने बोला कि एनर्जी सामने की ओर गिरती है तो वो उसमें संघर्ष है, इसका मतलब वो पुरुष लिंग है, और पीछे की तरफ जब उठती है वो बिल्कुल एकदम शांति और सौम्य साधारण धीरे से जाती है, इसका मतलब स्त्री लिंग है। अंडे की भी मैंने बात करी थी, जो नीचे की वो जो पोजीशन है वो उसकी नेगेटिव है, और जो पारदर्शी चीज़ है रिक्त है वो उसकी पॉजिटिव है। तो वो उसमें जो हमने बताया था कि अंडे जो जीव आत्मा उसमें डूबती हैं, अगर डूबने में लिक्विड में कोई चीज़ आप बनाओ तब भी वो डूबने के बाद में अंडा ही बनता है। तो ये ऐसे हमारी प्रकृति में हर जगह अंडे होते हैं, जैसे फूल में एक अंडा बनता है, फिर उसके एक मुंह ऊपर बना होता है, फिर पराग जब तक उसमें नहीं मुँह के ऊपर लगती है तब तक वो फल नहीं होता है, ऐसे ही स्त्री है, स्त्री के पास जो अंडा होता है और जो पुरुष के पास अंडा है, इन दोनों में वही के वही तीनों हैं, और वही के वही काल्पनिक जो चीज़ें हमने बताया कि ब्रह्मांड काल्पनिक है तो कल्पना का भी सारा सिस्टम उसमें है, और तीनों के तीनों वही के वही हैं। तो ये जो काल्पनिक जो चीज़ें हैं वो बेस उसका है और काल्पनिक चीज़ें हैं, नहीं तो अन्यथा जो ब्रह्मांड असत बता रहे हैं जो लोग, तो अपनी बात को अपने आप से काट डालेंगे, तो वो ब्रह्मांड जो है वो असती है और ये काल्पनिक चीज़ें हैं। जो शरीर जितना आपको दिखाई देता है वो एक अंडे में दिखाई देता है, इस अंडे में जो हर लाखों अंडे हैं, अरबों अंडे हैं, उस अंडे के अंदर में वो तीनों उपलब्ध हैं, और उस बाहर वाले भी अंडे में वो तीनों उपलब्ध हैं जिनके हम जीवात्मा और परमात्मा बोलते हैं, जिसमें सत्येंद्र जी वहाँ बीच वाली अंडे वाली जो स्थिति हम जहाँ आत्मा बोलते हैं वहाँ वो प्राकृतिक बोलते हैं। तो वो नाम से कोई भी चीज़ है, मगर स्थिति बाकायदा बनी रहे ये चीज़ उसमें बहुत ज़रूरी है। तो ये आत्मा प्रवेश होती है, जो प्रवेश करवाते होंगे उनको ज़्यादा नॉलेज हो गए,
और ज़्यादा समझ होगी कि ऐसे प्रवेश होती है, वैसे निकलती है, वैसे बाहर आती है, कोई चीज़ आती जाती नहीं है, और कहीं कोई हर चीज़ हमें ये महसूस होता है कि ये आ जा रही है, आत्मा निकल गई, मर गया, फिर संबंधित होती है चीज़ें, बिल्कुल संधि विच्छेद होती है और संबंधित होती है आपस में, और संध हुई और संधि विच्छेद हुई तो छूटती है और अलग होती है, ये बात साकार से निराकार, निराकार से साकार, ये पोजिशन चली होती है, तो ये पोजिशन जो चीज उनकी रहती है आपस में, ये चीज़ है। तो इसमें या ऐसी कहीं नहीं है, क्रिएट होने की मैंने आपको इकट्ठा होने की प्रक्रिया बता दी, मैंने आत्मा और जीवात्मा और परमात्मा की वो स्थिति बता दी कि ये आत्मा कहाँ और कैसे होती है, हर जगह उपलब्ध होती है, ये कहीं कोई प्रवेश नहीं करती है, ना कहीं से कोई निकलती है, कहीं कोई चीज़ निकलती नहीं, कहीं कोई आता जाती नहीं, हवा आपको चलती हुई दिखाई देती रहती, तो हवा इसका मतलब पूर्व से पश्चिम चले तो सारी हवा पूर्व से पश्चिम की तरफ चली गई तो पश्चिम को थोड़ी जाएगी, इकट्ठी हो गई, आपको सिर्फ आभास होता है, महसूस होता है, ये प्राकृतिक महसूस हो रही है, ये प्राकृतिक में मरना जीना जन्म लेना ये आपको महसूस हो रहा है, ये प्राकृतिक है नहीं फिर भी महसूस हो रही है, क्योंकि अनुभव से ये चीज़ें महसूस हो रही हैं इसमें, तो इसलिए ये तीन वो हैं, और ये आपके अदलने बदलने वाली जो प्राकृतिक, ये है नहीं फिर भी ये स्पष्ट होती है, ये चीज़ इसमें जो है यौगिक साइंस ये कहती है कि आत्मा कभी भी कहीं भी प्रवेश नहीं करती, वे इंतजार नहीं करती, वो उपलब्ध होती है, वो वहीं उपलब्ध होती है, हर जगह वो प्रेजेंट है, उसके ये सारी संरचना जो उसी सारी कल्पना और सारे ये उसकी जो संकल्प शक्ति है, ये सारी उसी चेतना का पसारा है, ये चेतना जो जो तीनों की मिलकर के जो चेतना, ये उसका पसारा है तीनों का, तो ये चीज़ ऐसा है, ऐसा कहीं आती जाती नहीं या घुसती नहीं है, अगर घुसती होती तो निकल भी जाती होती है, हाँ वो आपको स्पष्ट होने लगती है कि वो 3 महीने के बाद जब वो बच्चा कंपन करने लगता है, चेतना से कांपने लगता है, तो आपको फीलिंग होती कि हाँ भाई इसमें चलने की प्रक्रिया आ गई, चल तो वो चीज़ भी रही है जो एक सिंगल जीवात्मा है, परमात्मा है, जिसकी मैं बहुत गहराई में बताया, वो भी चल रही है, वहाँ भी चेतन की प्रक्रिया है, तो और चेतन जो देख रहा है ना वो भी चल रहा है, चलने की प्रक्रिया सब में है, और चलने की प्रक्रिया कहाँ कहाँ आपको अनुभव में आ रही और कहाँ आप से अनुभव आ नहीं रहा है, वो दिक्कत आपकी है मेरी नहीं, तो ये सिस्टम है। ओके फ्रेंड्स, इन शॉर्ट वी कैन से दैट फ्रॉम द योगिक साइंस पॉइंट ऑफ व्यू द सोल डज नॉट मूव एट ऑल, डज नॉट गो और कम एनीवेयर, ओके, द ओनली थिंग इज the soul creates something, and in order to create it, the things we experience, the things in the physical world, okay, but the soul is related to that physicality, okay, it is not that soul enters there, soul enters into the embryo and then it starts taking shape, okay, this is not the fact. The soul or the jivatma which is centered, okay, it remains as it is. It remains as it is. The only thing is through the relationship, okay, it creates and then it disintegrates. It integrates and disintegrates. Okay, this is the only process which is happening around the jivatma. Jivatma which has become centered, right? So this is not the question of entering the soul into the body or into the embryo. Okay, the fact of the matter is the soul remains as it is at its own position, and from there it creates whatever it has to create. It creates, and what we observe in the embryo growing, okay, that growth of embryo and the child, okay. That is related to that jivatma. Samajh yahi hai? Haan, bilkul yahi hai. Bilkul yahi hai. So there is a relationship, okay, between the jivatma which is centered and its creation. Okay, so relation is there, okay, but there is no question of entering or leaving the body. So, and as I mean, in this way we can see and we can observe that. People have, almost all the people have wrong notion about this process of birth.
Okay, I'm sorry to say this, but this is a fact. Or everybody is confused. Okay, I was just watching some videos of some great spiritual masters. I will not take the name, but some spiritual masters are very, very famous nowadays. And they are also very much confused about this, and they are confusing others also. So soul does not enter or leave the body. Okay, the only thing is the soul is related to the whole cosmos. And due to this relationship, okay, it creates and it destroys. Creates, destroys. So construction, destruction is just happening. Okay, it is ever going on process. It is, okay, you know, you can say that it is going on forever. Okay, that's all. Hopefully, you must have understood this intellectually, and I hope that you need to realize this. Okay, and once you get to the core of the teaching of yogic science, that is the three main principles, original principles, then from that perspective, okay, from that angle, we can understand the things very clearly. Thank you.